हाय दोस्तों, बीपी क्लाउड लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। अजूर डेटा फैक्ट्री के 68 वीडियो में आज हम देखेंगे कि एग्जिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन मैपिंग डेटा फ्लो में क्या होता है, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग डेटा फ्लो में होता क्या है। एक्चुअली एग्जिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज ए रो फिल्टरिंग ट्रांसफॉर्मेशन दैट चेक वेदर योर डेटा एग्जिस्ट इन अनदर सोर्स या स्ट्रीम। इसका मतलब है कि एग्जिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है आपका, ये चेक करता है कि आपका जो सोर्स है, ठीक है, सोर्स में आपका दूसरा जो सोर्स है, जैसे एक एम्प्लॉई सोर्स है, दूसरा आपका डिपार्टमेंट सोर्स है, तो ये चेक करेगा कि आपका मतलब डिपार्टमेंट सोर्स कितने एम्प्लॉय सोर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका चेक करता है। ठीक है, द आउटपुट स्ट्रीम इंक्लूड ऑल रो द लेफ्ट स्ट्रीम आइदर एग्जिस्ट या नॉट एग्जिस्ट। मतलब यह है कि जब आप जैसे एम्प्लॉई, मैंने एग्जाम्पल दिया एम्प्लॉई और डिपार्टमेंट की एग्जाम्पल दिया, तो जो लेफ्ट सोर्स जो होगा आपका, तो उसका ये चेक करेगा कि मतलब कि डिपार्टमेंट के कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसका आउटपुट आपको स्ट्रीम में जो होगा, आपको सभी रो आपको आउटपुट में मिलेगा आपको। ठीक है, एग्जिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन सिमिलर जो आपको मतलब एसक्यूएल सर्वर में जो आप यूज करते थे, वेयर में वेयर एग्जिस्ट या वेयर नॉट एग्जिस्ट हम लोग जो यूज करते थे, सेम उसका केस ऐसे ही होता है इसमें। ठीक है, मैं आपको उसमें मतलब कि एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल ये है, हमारे पास एम्प्लॉई है, एक एक सोर्स है, दूसरा सोर्स हमारे पास क्या है, अनदर सोर्स हमारे पास डिपार्टमेंट है। अब ये चेक करेगा कि एम्प्लॉई कितने डिपार्टमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब कितने डिपार्टमेंट एम्प्लॉई में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये चेक कर रहा है। अभी मैं बात करूँगा मैं, तो ये देख लीजिए मतलब कि जो एग्जिस्ट बात करूँ डिपार्टमेंट, इसमें डिपार्टमेंट वन एग्जिस्ट कर रहा है, डिपार्टमेंट टू एग्जिस्ट कर रहा है, डिपार्टमेंट फोर एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ ओनली फोर एग्जिस्ट कर रहे हैं, बाकी दो एग्जिस्ट नहीं कर रहे, 21 एग्जिस्ट नहीं कर रहा डिपार्टमेंट में, ठीक है, और 30 एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो आप यहाँ पर हम देखेंगे, आप डेटा देखेंगे, आप इसमें एग्जिस्ट में 1, 2, 4 आ रहा है, नॉन एग्जिस्ट में आपका नॉट एग्जिस्ट में 21 एंड 30 इसमें इस रो में आ रहा है। तो आपको जब जब आप एग्जिस्ट चेक करेंगे, आपको मतलब कि इसमें से तीन रो आपको डिस्प्ले करेगा, ठीक है, नॉट एग्जिस्ट में आपका दो रो डिस्प्ले करेगा। मैं आपको इसको एग्जाम्पल लाइव डेमो करके दिखाता हूँ मैं आज डेटा फैक्ट्री में, ठीक है, डेटा फ्लो के थ्रू जाएगा। डेटा फैक्ट्री में हमारे पास सोर्स है, सेम सोर्स हमने यूज किया हुआ है जो सोर्स मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे, एक हम नया मतलब डेटा फ्लो क्रिएट करते हैं, ठीक है, डेटा फ्लो, इसका नाम देते हैं हम एग्जिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, एग्जिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, इसका नाम हमने एग्जिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन नाम दे दिया। ओके, हमें अगर मैं आपके पास से डीबग क्लस्टर स्टार्ट ना हो तो इसे आप स्टार्ट कर लीजिएगा, मैंने मतलब अभी स्टार्ट किया हुआ है। ओके, अब यहाँ पर जाएंगे, सोर्स ऐड करेंगे, पहला सोर्स हम एम्प्लॉय ऐड करेंगे, ठीक है, एम्प्लॉय जो ऐड करेंगे उसका नाम देते हैं सोर्स या एम्प्लॉय या ईएमपी नाम दे दिया हमने। ओके, अब हम एम्प्लॉय सोर्स से ऐड कर लेते हैं यहाँ पर इजीली, यहाँ पर जाएंगे, एम्प्लॉय सोर्स को हमने ऐड कर लिया। ओके, दैट्स इट। ओके, सेकेंड सोर्स हम ऐड करते हैं, सेकेंड सोर्स में जब हम जाएंगे यहाँ पर हम डिपार्टमेंट करेंगे, इसका नाम दे देते हैं सोर्स इन डिपार्टमेंट, सोर्स डिपार्टमेंट नाम दे दिया। ओके, अब यहाँ से हम डिपार्टमेंट को हम एग्जिस्ट कर ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। आपको अगर हम दोनों मतलब कि देखने हैं, ठीक है, हमारे पास सोर्स है मतलब दोनों देखने, मैं आपको क्विकली मैं आपको शो कर देता हूँ, मैं यहाँ पर मैं ओपन करूँगा मैं डिपार्टमेंट का, आप इसमें देखेंगे डेटा देख लीजिए आप डिपार्टमेंट का, इसमें जो है दो डेटा सिर्फ शो करेगा आपका, देख लीजिए यहाँ पर मतलब कि डिपार्टमेंट डेटा है, सेम डेटा हमने यूज़ किया हुआ डिपार्टमेंट का, सेम ऐसे हमने यूज़ किया फर्स्ट सोर्स में हमने एम्प्लॉय का, मैं एम्प्लॉय का शो करूँगा आपको, सेम आपको एम्प्लॉय भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा हमारे पास, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो है जो अभी मैंने आपको मतलब वहाँ पर एग्जाम्पल में शो किया था, ठीक है, ये हमारा एम्प्लॉय हो गया। ओके, दैट्स इट। चलिए अब हम इसको मतलब कि एग्जिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पर जाएंगे प्लस साइन पे। ओके, अब हम यहाँ पर एग्जिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ओके कर लेंगे, ठीक है, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, एग्जिस्ट विथ डिपार्टमेंट, एग्जिस्ट विथ डिपार्टमेंट चेक समथिंग कुछ नाम देते हैं, अभी मैंने ऐसे नाम दे दिया, ठीक है, एम्प्लॉय विथ एग्जिस्ट डिपार्टमेंट लिख सकते हैं, ईएमपी एग्जिस्ट विथ डिपार्टमेंट, आप ऐसे कुछ नाम दे सकते हैं। ओके, दैट्स इट। मार सोर्स हमारा क्या है, सोर्स स्ट्रीम या इसको डेटा सेट भी बोल सकते हैं या सोर्स स्ट्रीम बोल सकते हैं। सोर्स स्ट्रीम हमारा क्या है, एम्प्लॉय है, राइट जो होगा हमारा, ठीक है, हमारा डिपार्टमेंट होगा, ठीक, दैट्स हमने हो गया। अब हमें क्या करना है इसमें कि अब हमें बताना है भाई हमें क्या चेक कर रहे हैं, एग्जिस्ट चेक कर रहे हैं नॉट एग्जिस्ट चेक कर रहे हैं। तो पहले मैं क्या करूँगा, एग्जिस्ट चेक करूँगा पहले केस में, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और ड्रैग अप कर देता हूँ ताकि आपको इजीली आसानी से दिखे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर कॉलम बताना है क्या चेक करना है, तो मैं यहाँ पर अगर बताऊँ मैं आपको, तो देख लीजिए यहाँ पर डिपार्टमेंट आई डी दोनों हमें चेक करना है, ठीक है, मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट आई डी यहाँ सेलेक्ट करूँगा दोनों के लिए, ठीक है, हमें यहाँ पर डिपार्टमेंट आई डी सेलेक्ट कर लिया और यहाँ भी हम जाएंगे यहाँ पर डिपार्टमेंट आई डी सेलेक्ट कर लिया। ओके, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब
यहाँ पर अगर मैं है तो मैं इसके मैं इंपोर्ट करता हूँ, कोई अगर मैं मतलब कि अगर मैं रिमूव अपडेट हमारा हो जाएगा, ठीक है, ओके दैट्स ओके। डिपार्टमेंट आई में सेलेक्ट कीजिए। अगर हमें और भी कॉलम ऐड करना है, याद रहे जितने कॉलम प्लस करके कॉलम आप ऐड कर सकते हैं। अभी मैं आपको इतना शो करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे आप, ठीक है, ऑटो ब्रॉडकास्ट ऑटो सब कुछ ऑटो है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ डेटा रिफ्रेश करिए। जब आप इसका आउटपुट देखेंगे तो आपको मतलब कि सभी जितने एग्जिस्ट हैं दोनों में वही आपको डेटा आपको यहाँ पर शो करेगा, देख लीजिए, ठीक है। डिपार्टमेंट जो एग्जिस्ट आया यहाँ पर 1, 4, 2 एग्जिस्ट किया जैसे मैंने आपको बताया था इसमें, ठीक है। यहाँ पर आया देखिए 1, 2, 4 के डिपार्टमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट आया। अब आपको क्या करना है कि जैसे मतलब मैं बोल दिया नहीं हमें मतलब कि एक से ज़्यादा कॉलम साथ चेक करना है, बट ये ध्यान रहे कि हम क्या करेंगे, जब हम एक से ज़्यादा कॉलम चेक करेंगे हम तो हमेशा क्या होगा आपका मतलब देखिए दिया हुआ मल्टीपल कॉलम जब करेंगे मल्टीपल एग्जिस्ट कंडीशन जब आप लगाएंगे टू कंपेयर मल्टीपल कॉलम विद ईच स्ट्रीम एड न्यू एग्जिस्ट कंडीशन बाय क्लिकिंग द प्लस आइकन इन द टेक्स्ट, ठीक है, प्लस करेंगे। लेकिन याद रहे मतलब ईच कंडीशन इज ज्वाइन बाय द एंड, मतलब ये एंड में ही आपको कंपेयर करेगा, ठीक है। जैसे आपको नीचे दे रहा है एंड में, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैंने डिपार्टमेंट लगाया, अब यहाँ पर मैं प्लस करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। प्लस करने के बाद दूसरा मैं लेके आऊँगा, जैसे अभी हमारे पास कोई एग्जांपल है नहीं, जैसे मैं बोल दिया भाई ठीक है मतलब नाम दे रहा हूँ यहाँ पर। अब इसमें भी अगर हमारा एम्प्लॉय नाम होता, ठीक है, तो यहाँ पर एम्प्लॉय नेम करेंगे तो ये क्या करेगा आपका ये दोनों एंड कंडीशन लेके आएगा, ठीक है। ये दोनों एंड और कंडीशन नहीं, सिर्फ एंड कंडीशन पे ही अप्लाई होता था। अभी मैं इसको अगर करूँगा तो हमारा क्या आएगा, कोई डेटा नहीं आएगा। तो आप इस तरह अप्लाई कर सकते हैं, मैं इसको अभी हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये हमने एग्जिस्ट चेक किया, सेम ऐसे कर सकते हैं। अभी हमें क्या चाहिए, नॉन एग्जिस्ट सिर्फ चाहिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, एग्जिस्ट लेना नॉन एग्जिस्ट यूज कर लेंगे हम, ठीक है। जो एग्जिस्ट मतलब दोनों में एग्जिस्ट ना हो, हमें एम्प्लॉई वो चाहिए जो डिपार्टमेंट में एग्जिस्ट ना हो। तो हम क्या करेंगे, जाएंगे इसमें, ओके, हमने रिफ्रेश किया। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे हम, हमें यहाँ पर क्या होगा, जितने भी नॉट एग्जिस्ट डिपार्टमेंट देखिए 20 एंड 31 21 एंड 30 जो जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मैं अगर दिखाऊंगा मैं आपको यहाँ पर देखिए 21 एंड 30 तो जो है मतलब 21 30 देखिए इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ओके। ये आपको मतलब कि आपको मिल गया, डिपार्टमेंट मिल गया, ठीक है। ये आपका मतलब क्या है, एग्जिस्ट नॉन एग्जिस्ट का है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन आती है कि जो हमें चेक करना है, कस्टम चेक करना है। जैसे मान लीजिए एग्जिस्ट में मुझे चेक करना है भाई कि एग्जिस्ट में चेक करना है भाई हमारे पास आ गया मतलब 3 आ रहा है। अब हमें चेक करना है भाई हमें मुंबई का नहीं चाहिए, मुंबई के छोड़ के बाकी सब रिकॉर्ड चाहिए हमें। अब हमें यहाँ पर कस्टमाइजेशन करना है तो कस्टमाइजेशन फिल्टर अप्लाई करना है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे आप कस्टमाइजेशन में, देख लीजिए यहाँ पर जाके उसका भी कंडीशन आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाएंगे इसलिए हम, ठीक है। तो इस पर आप कह रहे हैं आपके कस्टम एक्सप्रेशन, इस पर कस्टम एक्सप्रेशन क्लिक करेंगे आप तो ये आपके यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। जैसे आगे मैं अभी एग्जिस्ट चेक करता हूँ, एग्जिस्ट पे जाऊँगा कस्टम एक्सप्रेशन में, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर जाके कस्टम एक्सप्रेशन जो चाहे आप यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको करना पड़ेगा, ये आप ओपन बिल्डर कर लेंगे यहाँ पर कस्टम एक्सप्रेशन का, फिर आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। जैसे मतलब कि दोनों दे दीजिए आप, जैसे मैंने बोल दिया पहले मैं चेक करता हूँ डिपार्टमेंट इक्वल टू डिपार्टमेंट दे दिया, ठीक है, एंड और एड्रेस इज नॉट इक्वल टू मुंबई, ठीक है। अब हमने दे दिया, अब इसको जब ओके करेंगे हम, जब इसको अप रन करेंगे आप तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब जिससे मतलब यहाँ पर क्या करना है आपको, इसको फिक्स करना है, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग फिक्स करनी है, ओके। आप ब्रॉडकास्ट अब ऑप्शन जो है लेफ्ट कर लीजिए आप, ठीक है, दैट्स इट, ओके। इसको मैं मतलब अपकमिंग वीडियो में ब्रॉडकास्ट क्या होता है मैं अपकमिंग वीडियो में आपका मतलब कि मैं इसके बारे में बताऊँगा, ठीक है। अब जैसे जैसे इसको मतलब आप दोबारा रिफ्रेश करेंगे, अब क्या होगा मतलब जो एग्जिस्ट में मुंबई को छोड़कर 2 रिकॉर्ड लेके आएगा। अभी क्या होगा, मैं एग्जिस्ट की बात करूँगा, मैं इसमें जाऊँ, ठीक है, 3 रिकॉर्ड आ रहे हैं इसमें, देखिए 1, 2, 3, एक मुंबई का है, एक आपका आजमगढ़ का है, एक नोएडा का है, बट मुंबई छोड़ देगा, 2 को लेके आएगा, मतलब कि मुंबई मतलब यहाँ से 2 हटा देगा, 1 और 4 का रिकॉर्ड लेके आएगा डिपार्टमेंट का। यहाँ पर देखिए 1 और 4 का रिकॉर्ड लेके यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये आपका मतलब कस्टमाइजेशन है, तो अपने हिसाब से जो भी कस्टमाइजेशन आप अपने हिसाब से यूज करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, ओके। उसके बाद आप इजीली हम कर सकते हैं, यहाँ पर शो सेट कर लें हम प्लस साइन करके, और यहाँ पर जाएंगे मैपिंग सिंक में करेंगे हम, ओके। उसके बाद यहाँ पर हम कर सकते हैं सोर्स, यहाँ पर जो भी करते हैं यहाँ पर हम डेस्टिनेशन कर देंगे हम, ओके। अब यहाँ से मतलब इनलाइन करिए आप, इसका यूज करिए आप, ठीक है। अब जो भी मतलब यहाँ पर डेलिमिटेड हमने कर दिया, यहाँ पर डेलिमिटेड टेक्स्ट कर दिया, ओके। और उसके बाद यहाँ पर हमें कहाँ स्टोर करना है, यहाँ पर हमने देखिए ब्लॉक स्टोरेज में, दैट्स इट। उसके बाद आप यहाँ पर सोर्स जाइए, आप यहाँ पर कंटेनर नेम डेस्टिनेशन
ठीक है। यहाँ पर आपको मतलब कि क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पर आपको फाइल ऑप्शन यहाँ पर सिंगल यूज कर लीजिए आप, ठीक है। जैसे सिंगल यूज करेंगे तो आपको पूछेगा भाई मतलब पार्टीशन के लिए, पार्टीशन डिफॉल्ट सिंगल सेलेक्ट कर लिए, फाइल का नेम जैसे नहीं दीजिए एग्जिस्ट आउटपुट नाम दीजिए हमने, आउटपुट नाम दीजिए हमने डॉट सी एस बी, सी एस बी, ओके दैट्स इट। अब यहाँ पर कंडीशन थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं यहाँ पर जाके, ठीक है। कंडीशन क्या करेंगे हम सिर्फ मतलब कि चेक कर लेते हैं भाई मतलब हमें कस्टम हटा के, ठीक है। और हम यहाँ से मतलब किसी जो एग्जिस्ट कर रहा है डिपार्टमेंट में वही उसी का हम आउटपुट जो है सेव करेंगे, ओके आपका हो गया, ठीक है। ये हमारा मतलब कि डेवलपमेंट हो गया। फिर हम क्या करेंगे इस डेटा फ्लो को हम क्या करेंगे पाइपलाइन पे एग्जीक्यूट करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे हमें एक पाइपलाइन हमने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। इस पाइपलाइन को क्या करते हैं यहाँ समय इसको रिमूव कर देते हैं, दोबारा इसको हम ट्रांसफर ड्रैग ड्रॉप कर लेंगे, ओके। अब इसको आप रन कर दीजिए, ठीक है। इसको जब रन करेंगे तो थोड़ा टाइम लेगा भाई मतलब कि एग्जीक्यूट करने में। उसके बाद आपका जो आउटपुट होगा उस आउटपुट को आपको डेस्टिनेशन फोल्डर में जाके वो मतलब एक आपको फाइल बनाएगा, फाइल बना के वहाँ पर जाके स्टोर कर देगा, दैट्स इट। अब यहाँ पर जैसे गया यहाँ पर, ठीक है, हम चलते हैं डेस्टिनेशन फोल्डर में, यहाँ पर जाएंगे डेस्टिनेशन फोल्डर, ओके। अभी देखेंगे तो आप मतलब कि अभी देखिए यहाँ पर नहीं आया, देखिए आ गया एग्जिस्ट, देखिए यहाँ पर आपका डेटा जो है यहाँ पर क्रिएट हो गया एग्जिस्ट का। तो यहाँ पर जितने भी एग्जिस्ट थे डिपार्टमेंट में सभी का रिकॉर्ड देखिए सिर्फ यहाँ पर आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये आप देखिए देख लीजिए यहाँ पर रिकॉर्ड शो हो गया। देखिए हमने यहाँ पर एक गलती किया था भाई, रो को मतलब जो आपका पहला रो होता है हेडर नहीं बनाया था, उसको भी बना सकते हैं पहले रो को हेडर में, उसका मतलब बस कुछ नहीं करना है। आप सिंपल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, डेस्टिनेशन में क्लिक करेंगे आप, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे आप तो यहाँ पर क्या करना है आपको पहले रो को मतलब देख लीजिए यहाँ पर ये आएगा पहले रो को हेडर बनाने के लिए, देखिए पहले रो को ए चेक कर दीजिए बस। अब पहला रो जो आपका होगा हेडर हो जाएगा। अब अगर मैं इसको आप रन करेंगे दोबारा जो रन करेंगे अभी ये मतलब कि टाइम लगा, अब मैं मतलब दोबारा रन करेंगे तो वो क्या होगा मतलब अभी यहाँ पर हेडर नहीं आया तो हेडर सहित आपका डेटा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आई होप कोई आपको मतलब कि एग्जिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट ऑन, थैंक यू वेरी मच।